हेलो दोस्तों, मोर अबाउट डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर डिजाइन डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो आपसे आज की डेट में सब इनपुट मांगते हैं कि आपकी वर्किंग आवर क्या है, क्या नहीं है, कितना आपने काम किया, कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा। सब चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं ऑन पेपर। तो आप अगर डिजाइन से हो या डिप्लोमा किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो आजकल इनपुट शीटें सबसे मांगी जाती है। तो इनपुट शीट की डेली वर्क शीट सबसे मांगी जाती है कि क्या वर्क चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और आपने कितना काम कर रहा है। तो ये सिर्फ आपने लिया, और ये अच्छी भी चीज़ है कि आपने अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को एक समझ होने के लिए कि मैं भाई कितना टाइम कर रहा हूँ, कितने टाइम में पहले ये काम करता था, अब कितने टाइम में ये काम कर देता हूँ, कितने कम समय में कर रहा हूँ। ये अब अपनी ग्रोथ के लिए भी है, ये अपने लिए भी एक लर्निंग पॉइंट है। इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जो काम हम मान लो हमें 1 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल बाद हम इसको चीज़ को मतलब दोबारा हमारे पास वो चीज़ आती है, तो उस अपने कोई चीज़ फर्स्ट टाइम डिज़ाइन करी तो और सेकंड टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, तो उसमें टाइम कंज्यूम जो होता है वो कम होता है। और तो उसके लिए हमें ये डेली वर्कशीट मांगी जाती है। तो ये एक टाइप से मैंने डेली वर्कशीट है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको सॉफ्ट अगर चाहिए तो आपको मेरे कमेंट्स में अपनी मेल आईडी डालनी पड़ेगी, मैं इसको सॉफ्ट आपको मेल कर दूंगा। और अगर आपको क्या कहते हैं ऑन पेपर या से ही अगर इससे बनानी है तो आप इससे ही बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और प्लस इसमें आपको कहते हैं कुछ भी इम्प्लीमेंट करना वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी दो शर्त है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस टाइप में इसमें आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये डिजाइन डेली रिपोर्ट बना के साइड में नेम दे दो अपने यहाँ पे। ये हमने ऐसे इस टाइप से एक डेली डिज़ाइन डेली डाल दो, या डेवलपमेंट डेली डाल दो, क्वालिटी डाल दो, टूल्डुम डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जो आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो उस हिसाब से डाल के, और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, यहाँ पे पार्ट नेम, पार्ट नंबर, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे, जो भी जिस मतलब पार्ट नेम, पार्ट नंबर, नेम जिसका उसका जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मेरे पार्ट नंबर यहाँ डाला हुआ, मैं इस पर काम कर रहा था, तो मैंने इसमें कितने टाइम लगाया, 4:30 से 6:30 PM, फिर ये फिनिश हो गया नहीं हुआ, किस डेट को स्टार्ट मतलब कितनी डेट, टारगेट डेट कितनी है, और यहाँ पर पेंडिंग है या नहीं है, या स्टेटस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर जो भी लिखना। दूसरे सेकेंड में ऐसे ही सेम कि वही नेक्स्ट डे क्या डेट यहाँ पे डाल के यहाँ पे, और यहाँ पे डेट आ जाएगी कब स्टार्ट करा है, और मतलब यहाँ पे स्टेटस डाल देंगे क्या अप्रूवल के लिए गया, चेक होने गया, क्या होने गया, किस वजह से पेंडिंग है, या तो यार रिमार्क डाल दो या कुछ भी डाल सकते हैं आप ऐसे, स्टेटस डाल दो या पेंडिंग डाल दो। इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से नीचे की नीचे साइड नीचे की जगह के स्लाइडों में हर किसी का मतलब कि कुछ ना कुछ है, पार्ट नेम नंबर अलग अलग, यहाँ पे स्टेटस भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस डाल दो, ईमेल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये आपके सामने एक सीट है जो कि आप कुछ हर कंपनी मांगती है आपसे। तो जो भाई अगर आप मतलब कंप्यूटर पर नहीं बैठते वो भी मेरे को कमेंट्स में अपनी मेल आईडी लिख दे, मैं उनको शेयर कर दूँगा, कहीं से प्रिंट आउट निकाल के ऑन पेपर हार्ड पेपर पर भी काम कर सकते हैं, हार्ड पेपर पर भी काम कर सकते हैं इससे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों को अगर अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस प्रकार ये सीट प्रोवाइड हो जाए, उनको भी हेल्प हो जाए। चलो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।